सुशांत सिंह राजपूत मामले पर 3 महीने से चल रही जांच पर हो रहे नए खुलासे, और ऐसे में अब खबर आ रही है कि एम्स के एक एक्सपर्ट फोरेंसिक टीम को मामले में अब कई सारे सच पता लगेंगे, वो भी सुशांत की फोरेंसिक रिपोर्ट से। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अब मेडिकल टीम 17 सितंबर को अपनी बैठक करेगी। इसके अलावा खबरों की माने तो अंतिम जांच रिपोर्ट निर्णायक और किसी भी तरह की भ्रम के बिना होगी। इस मीटिंग को खत्म होने के कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा, और साथ ही यहां पर यह बताया जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फोरेंसिक रिपोर्ट थी फाइनल, उसमें किस तरीके की गड़बड़ हुई थी, सुशांत के हादसे के वक्त सुशांत के साथ क्या हुआ था, सुशांत के साथ हादसा दम घुटने की वजह से हुआ था या फिर सुशांत के बॉडी पर कौन कौन से दाग पड़े थे या निशान थे, इसका भी खुलासा ये रिपोर्ट करेगी। सारी सच्चाई सामने आएगी। सुशांत ड्रग्स लेता था या नहीं, या कितने वक्त सुशांत ड्रग्स ले रहा था, इसका भी खुलासा इस फोरेंसिक रिपोर्ट से होगा। जहाँ पर अगर फोरेंसिक रिपोर्ट में ये सब सामने आया कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था, उसे खाने के जरिए दिया जाता था, तो एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती फंस सकती है फोरेंसिक रिपोर्ट के इस खुलासे के बाद सीबीआई के शिकंजे में। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।